राजस्थान सरकार की तरफ से 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगाकर 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। रावतसर क्षेत्र में ये कैंप उपखंड कार्यालय रावतसर, नगर पालिका व पंचायत समिति रावतसर, तहसील कार्यालय पल्लू, कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय रावतसर, सीएचसी रावतसर और राजीव सेवा केंद्र गंदेली में राहत कैंप सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैक्स लाइव पर, मैं हूं पुरुषोत्तम दत्त। चलिए आज विशेष में चर्चा करते हैं कि क्या रावतसर उपखंड क्षेत्र में लगने वाले इन कैंपों से आमजन को वास्तव में राहत मिल सकेगी। ये सवाल बीते एक सप्ताह में एसडीएम रावतसर की कार्यशैली पर विवादित बताने वाले आरोपों पर छपी दो खबरें सामने आने के बाद उठ रहे हैं, और सवाल उठने भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जिनको सैलरी और तमाम सुविधाएं भी इसीलिए दी जा रही है कि सरकार की बनने वाली योजनाएं और उनका क्रियान्वयन आसानी से हो सके और जनता जनार्दन की सुनवाई कर उनकी मदद हो सके। लेकिन यहां तो एक 80 वर्षीय बुजुर्ग ने एसडीएम रावतसर पर ही किसी मामले में दिए गए प्रार्थना पत्र की रिसीव्ड कॉपी देने मात्र की बात पर कॉपी देने की बजाय धक्के देने के आरोप लगाए। जिन अखबारों में यह खबर छपी है उनमें एसडीएम रावतसर ने अपने ऊपर लगे आरोप निराधार बताया। यह एक सामान्य सी बात है। अब आरोप कितने सही है और कितने गलत है यह तो अब सरकार को देखना चाहिए, जो अभी तक होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इससे पहले लालपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने भी एसडीएम पर सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए थे। चलिए एक बार सुनिए आप उन सभी आरोपों को। गांव में गंगाजल हो और मैं अरे 3 दिन परेशान हो रही हूँ। हमारे मुकदमा चल रहा हूँ, ये नकल लेने वास्ते आयो, नकल साफ जिंदगी को नहीं, फिर कई घंटा ही आई, 2 घंटा आई, आखिर में 3 बजे जवाब दे दियो, बंद निकल रहा बाहर, तो बाहर काट दियो। अच्छा अभी बात गया वहाँ मेरी ऐसी मुकदमे की मैं नकल ही लेना आयो, अरे बार नकल है ऐसी की बाद में ट्रांसफर और मानगढ़ कर दियो, तो पिंगी ऐसी शिवल लेना आयो वह भी कौन दी है पिंग बाद में मैं तो भी अकेड़ो बीमार आदमी हूँ है। मुख्यमंत्री जी के शिकायत करना चाहूँ और मैं क्या करूँ। मैं सरपंच ग्राम पंचायत 25 RWD हमारे राजस्व ग्राम लालपुरा के प्रधानमंत्री आवास से 10 परिवार वंचित है, जिनके पास से आबादी भूमि में जगह नहीं है। हमने 2 साल हो गए हैं प्रस्ताव बना करके उपखंड कार्यालय में भिजवाया है, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। हमारे मंशा यही है कि जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है उनको आवास मिले, उनको भूमि की वजह से उनके अगर कटते हैं तो ये उपखंड कार्यालय एसडीएम साहब की जुम्मेवारी बनती है कि 2 साल से पत्रावली को रोक के रखा है। और कलेक्टर के पास गई थी, उन्होंने वापस इनको जवाब देने के लिए बोला है, 6 महीने से इस फाइल को रोक रखा है, इधर से इधर इधर से उधर से उसका कोई स्पष्ट जवाब बना के नहीं दे रहे हैं। इसको समाल पेच में देने की इनकी मंशा है, समाल पेच वालों के पास पहले से ही भूमि है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के जो वंचित परिवार है उनके एक मकान बनाने के लिए भी भूमि नहीं है। तो मेरा सरकार से और एसडीएम महोदय कलेक्टर महोदय से यही है निवेदन कि इनको प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, और जो अधिकारी हैं वो हमारी बात गंभीरता से नहीं सुनते हैं और भाग खड़े होते हैं, तो उनकी ये भी आदत सुधारनी अच्छी है, जनता की बात सुननी चाहिए और उनका निस्तारण करना चाहिए। जबकि एसडीएम साहब से बार बार संपर्क करने पर यह कहा जा रहा है कि तहसीलदार जी ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। एसडीएम साहब का व्यवहार बहुत ही जनता के विपरीत है, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी इच्छा से अपनी सीट पे आते हैं, अपनी इच्छा से अपनी सीट से चले जाते हैं, और हम 6 महीने से इनके पीछे चक्कर लगा रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहा है कोई भी अधिकारी, यहाँ रावतसर में सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि सरकार की बहुत अच्छी मंशा थी कि प्रशासन गाँव के संग अभियान लगा करके जनता को राहत पहुंचाई जाए, जनता के कार्य उसके गांव में हो, लेकिन उसके हो रहा है उसके उलट है कि ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बन के आ रहा आ गया लेकिन 2 साल से अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पिछले 6 महीने से एसडीएम कार्यालय में विचाराधीन है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सरकार पुनः राहत कैंप का आयोजन करने जा रही है, जबकि ये अधिकारी काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से राहत मिलेगी सरकार से लोगों को। और चलिए अब इन सभी आरोपों को एक बार खारिज करते हुए
बात एक कार्यशैली की करें तो बड़ी बात यह भी है कि रावतसर प्रशासन को जिला कलेक्टर के निर्देशों की भी ज्यादा परवाह दिखाई नहीं दे रही है। और इस बात को प्रमाणित करने वाला एक दावा यह भी सामने आया कि 13 अप्रैल गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ रुक्मणी रियार ने रावतसर में जन सुनवाई के बाद मेगा हाईवे सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण जैसी अनेक छोटी बड़ी समस्याओं पर ध्यान देकर समाधान करने के लिए एसडीएम रावतसर को निर्देश दिए थे, लेकिन कस्बे में 15 दिन बाद भी स्थिति डाक के 3 पात वाली बनी हुई है। इतना ही नहीं, कस्बे में हरियाणा से डीजल का अवैध परिवहन, घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग, खनन व परिवहन और भी तमाम अवैध गतिविधियां बड़ी सहजता से चल रही है। बस आमजन को ही अपने कार्यालयों के लिए चक्कर काटने और उनके बदले में धक्के खाने पड़ रहे हैं। जिम्मेदार अफसरों के चैम्बर गहरे होते जा रहे हैं और चैम्बरों के गेट पर लगे पारदर्शी शीशों की पारदर्शिता लगभग खत्म होकर अब काली फिल्मों का साम्राज्य फैल चुका है। मामला चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उम्मीद है कि परिस्थितियां ठीक होंगी और आमजन से अपील भी है कि इन कैंपों में अधिक से अधिक पहुंचकर लाभ उठाएं। अगर अधिकारी काले शीशों के मोह से बाहर आ पाए तो सरकार की योजनाओं में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही, और सरकार को भी चाहिए कि अधिकारियों के कार्यालयों को रसातल की ओर अग्रसर हो रहे हैं उन पर ध्यान देकर उन्हें धरातल पर लाते हुए इन काली फिल्मों के कांच के दरवाजों से मुक्ति दिलाई जाए तो शायद आमजन को सचमुच में राहत मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, फिर कभी मिलेंगे किसी और विशेष मुद्दे।